आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। दीपावली का त्यौहार नजदीक है। जगह जगह पटाखों की फैक्ट्री में दीपावली पर आतिशबाजी के लिए उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी मात्रा में शहर में स्थित पटाखा फैक्ट्री में काम चल रहा है। बता दें, शहर के बीचों बीच स्थित थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में स्थित पटाखा कारखाने से खबर आ रही है, जहां पटाखा बनाने की फैक्ट्री में तैयारी की जा रही थी, जिसमें आज फैक्ट्री में आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। तभी अचानक से फैक्ट्री में रखा सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। तेज धमाके के बाद दो मंजिला इमारत की फैक्ट्री पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। इस भीषण हादसे में अब तक आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें अब तक दो लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस तैनात है, साथ ही आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर डीएम अलीगढ़ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सुरेंद्र सिंह के मकान में सिलेंडर फटने की सूचना मिली थी, जिसमें कि लगभग 10 लोग घायल हो गए हैं। अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। पूरे मामले की जांच कार्रवाई की जा रही है। घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। अभी आया हूँ, आते ही मालूम पड़ेगा यार कुछ सामान बनता है, चमनचे बनते हैं, क्या बनता है ये तो भगवान जाने। या क्या, हाँ पिस्तौल जो होती है ये वो बनता है, कोई क्या सिलेंडर फटा है, कोई इतना सिलेंडर में इतना तो हो नहीं सकता सर। देखो आपने मेरे घर का क्या हाल है, और क्या मैं गरीब आदमी साहब, तो मैं घर में ही रहता हूँ। लगभग कितने घर इस धमाके की चपेट में आए? इस धमाके की चपेट में कम से कम 1 दर्जन घर आ गए, 7-8 मकान इसमें, 1 दर्जन के करीब। 13 अक्टूबर को आज ये दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के मकान में सिलेंडर फटने से विस्फोट की सूचना मिली थी, और जो मलबा है यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो फायर सर्विस की टीम है, उसके अलावा लोकलाइट, सभी लोग जो है इन्वॉल्व है। इसमें करीब 8-9 व्यक्तियों को अस्पताल भिजवाया जा चुका है, और उसमें 2 व्यक्तियों की जो है अभी मृत्यु की जो है बताया गया है डॉक्टर के द्वारा। बाकी सभी व्यक्तियों का अभी उपचार चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ताकि जो है इसमें यदि कोई मलबा में दबा हो तो उसे जो ढूंढ के निकाला जा सके। किस चीज़ की ये पता पड़ पाया है? देखिए, ये सिलेंडर फटने से जो है घटना हुई है, और ये यहाँ पर जो है अपना कोई काम करते थे, जो है सारी चीज़ें जानकारी की जा रही है, जो भी अग्रिम होगा उसमें जो कार्रवाई की जाएगी। कारखाना बताया जा रहा है, इसके विषय में जानकारी की जाएगी अभी जो भी होता था। फिलहाल जो है पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पर हम जो कम्प्लीट करने का प्रयास करेंगे। अभी घायल कितने हैं? देखिए, 8-9 व्यक्तियों को जो हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों के मृत्यु के विषय में अभी सूचना मिली है हॉस्पिटल से, और बाकियों के जो उपचार के लिए तत्काल प्रयास सभी प्रयास किए जा रहे हैं, और सभी डिपार्टमेंट्स को अवगत कराया गया, CMO को, नगर निगम, सभी लोगों को, लोकलाइट्स के साथ जो है फायर सर्विस की ऑलरेडी टीम लगी हुई है, और हम रेस्क्यू करने की जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं। मौके पर देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो परिवार रहता था वो कुछ अपना दीपावली पे क्या करते थे, प्लास्टिक उस टाइप का काम करते थे घरेलू स्तर पे, उसी दौरान काम के दौरान ही सिलेंडर से विस्फोट हुआ है, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। मलबे में लगभग 10 लोग दबे हुए थे, जिनको निकाल करके रेस्क्यू करके भेजा गया अस्पताल में। 3 लोग अस्पताल में पहुँचने पर मृतक बताए गए हैं, कुछ की हालत गंभीर है, इलाज की समुचित व्यवस्था की जा रही है। घटना से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया गया, उनकी तरफ से भी निर्देश यही है कि सारे पीड़ितों की यथासंभव मदद की जाए और उनको तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाए। घटना के बारे में मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर दिया है जांच के लिए, 15 दिन में जांच करके पूरा रिपोर्ट देंगे कि किस वजह से और किस कारण से घटना हुई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएँ रोकी जा सके। दूसरा, जो भी पीड़ित परिवार है उसे पूरी सहानुभूति है, और जो भी आर्थिक सहायता अनुमान्य होगी उनको उपलब्ध कराएंगे।